ये आ गया भाई, गजब ही लग रहा है ये तो देखने में। अरे भाई यार के काट रहे हो। कैसे शुरुआत करी एमबीए पिज्जा की? सर पहले तो मैं अपना प्रॉपर नेम बता देता हूँ कि मैं शान नाकरा हूँ, मैं कटनी से हूँ। अच्छा। और जो जबलपुर के पास पड़ता है। अच्छा। मध्य प्रदेश। और मैं एमबीए पिज्जा, आप सब पूछते हैं कि इसका एमबीए पिज्जा नाम क्यों रखा है। हाँ। इसका बहुत बड़ा रीजन है, सबका एक ड्रीम होता है कि किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मुझे एमबीए करना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अरे वाह यार बढ़िया। लेकिन मैं जा नहीं पाया। अरे इसी कारण से तो फिर सोचा कि ये ड्रीम तो खत्म हो गया अब। हाँ। तो अब सोचा कि इसको पूरा कैसे करें। पहले तो जॉब वॉब की, अपने आप को थोड़ा बहुत लायक बनाया कोशिश करके। बढ़िया। अभी भी लायक हूँ पता नहीं। अरे आप तो फेमस हो गए यार, आप तो एमबीए कुछ नहीं लगता अब तो। लेकिन सर इम्पोर्टेंट ये है कि एक ड्रीम को पूरा करने के लिए फिर सोचा कि जॉब करते हैं। हाँ बढ़िया। और पिज्जा में हाथ बहुत फाइन था, धीरे धीरे सीखा हर जगह, जॉब की होटल्स में, वहाँ का तौर तरीका सीखा, मैनेजमेंट सीखा, हर चीज़ देखी, किचन को देखा कैसे होता है। तो फिर समझ में आया कि कोई ऐसी चीज़ लाओ जो डिफरेंट हो और जो स्ट्रीट में नहीं चलती। तो पिज्ज़ा स्ट्रीट्स में तो मैंने कभी भी नहीं खाया था ना कभी देखा था। अभी 10 सालों से देख रहा हूँ कि हाँ भाई स्ट्रीट्स में पिज्ज़ा, और वो भी लोग खुश होके नहीं जाते, मतलब कि ऐसे ही जाते हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कि पिज्ज़ा से कुछ अच्छा लेके आते हैं। लोग डोमिनोज जाते हैं, पिज्ज़ा हट जाते हैं, टापिनोज जाते हैं, और तो हम लोग सोचते कि स्ट्रीट्स में भी लोगों को आना चाहिए। हाँ। यही थोड़ा स्ट्रीट में टेस्ट नहीं दे सकते। फिर सोचा कि जो मैदे का पिज्ज़ा मिलता है उसको आटे में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे वाह यार, तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और ओवन में बनाने से अच्छा है तंदूरी बनाते हैं। अरे वाह, तो देसी एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आ जाएगा। हाँ। इंडियन ट्रेडिशन जो टेस्ट है। तो धीरे धीरे कर करके बहुत सारे हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके ये रेडी किया, तब जाके ये तंदूरी अपने चालू किया। और मेन आटे का डो बनाया। अच्छा, आटे का डो बनाया। हाँ, ये प्योर आटे का डो है, मेरे यहाँ आपको सिर्फ आटे के डो मिलेंगे। अच्छा अच्छा। कुछ पिज्जा से जो मैदे के रखता हूँ। अच्छा। स्पेशली कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं नहीं भैया हमको मैदा ही चाहिए, मैदा ही चाहिए, तो उनके लिए भी मैंने वो भी रखा हुआ है। मेरे पास पिज्जा है, तंदूरी पिज्जा, बर्गर है, सैंडविचेस है। कौन से खिलाएंगे बताइए आप? मैं यहाँ कोई फर्स्ट टाइम आता है तो मैं एमबीए पिज्जा जरूर ट्राई करूँ। एमबीए पिज्जा बढ़िया, आप एमबीए पिज्जा जरूर ट्राई करें। ठीक है भाई, एमबीए के हाथ से एमबीए पिज्जा क्या लगा रहे बताते जाइए। ये टॉपिंग है मेरे यहाँ की। अच्छा अच्छा। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। अच्छा बना। अच्छा अच्छा। ऑनियंस डाल दिए इस पे, अ लिटिल बिट ऑफ कैप्सिकम, कैप्सिकम एंड टोमेटोस, टोमेटोस एंड लिटिल बिट ऑफ कॉर्न्स। ये हमारा सिग्नेचर पीजा, सिग्नेचर। ये बढ़िया। कितने का है ये? ये 90 रुपीज़। 90 रुपये का एम बी ए पीजा। ये क्या कर रहे हैं आप इसमें? मिक्सिंग। अच्छा, मिक्सिंग कर रहे हैं। कच्ची वेजिटेबल्स रहती है तो उसको बेक करना होता है। अच्छा अच्छा। तो बेक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो मिक्स सीजनिंग्स मिक्स हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक बेक हो जाएगा। और हीट से पकता है फ्लेवर आ जाएंगे सारे, मतलब प्रॉपर इटालियन। और ये काट रहे उधर चीज, मोजरेला है, कौन सा है ये पिज्जा चीज है? हम अपना चीज खुद बनवा रहे। अच्छा, खुद का बनवाते हो आप? बढ़िया यार। ये पिज्जा चीज है, मोजरेला नहीं है। अच्छा अच्छा। तो भैया क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान दिया हुआ है भैया ने, बहुत ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दिया हुआ है। मेरा बर्गर्स भी है। बर्गर्स भी? अच्छा, विदाउट टिक्की वाले मिलते हैं। ये गया तंदूर में, बढ़िया। अपना कितनी देर के लिए रखोगे आप ये? सर 3 मिनट में पक जाएगा। 3 मिनट में पक जाएगा। चालू होता है तो 10-20 सेकंड में एक पिज्जा, 20 सेकंड में एक पिज्जा बन जाता है। जैसे जैसे धीरा होता जाता है उसमें 3 मिनट लगता है। अच्छा अच्छा। तो भैया आप क्या क्या फॉर्मूला है, मैंने क्या फॉर्मूला डालते हो भैया एमबीए पिज्जा? सर मैं अलग अलग सबकी ड्रेसिंग्स होती हैं। अच्छा अच्छा। उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए मैंने सब्जेक्ट्स के नाम दिए, जैसे मैथ्स, हिंदी, बीटूटी, अरे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश पीछे। इंग्लिश पीछे, चलो ये हिंदी आगे कर लिया हमने, इंग्लिश पीछे। क्या रहता है सर, स्टाफ को सब याद रहता है कि कौन सी चीज में क्या डालनी है। अच्छा अच्छा। रेसिपी मेंटेन रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है, और उस हिसाब से हमें भी पता नहीं पड़ेगी रेसिपी है। हमें भी पता नहीं पड़ेगी, मतलब किसी को पता नहीं। ये आगे अपना तंदूर से पिज्जा बढ़िया सर, भाई गजब ही लग रहा है ये तो देखने में। अब इनका काटने का स्टाइल देखना आप, देखो भाई मर्डर कर दिया पिज्जा का पूरा। बढ़िया, ये रेडी हो गया? अरे वाह भाई वाह, चलिए इसको मैं ट्राई करता हूँ, बताता हूँ कैसा है। तो भाई ये आ गया अपना एमबीए पिज्जा, बिल्कुल स्पेशल चीज़ है, सब कॉर्न वॉर्न टमाटर डाल के, वही ऑर्गेनो डाल के, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। और मैं इसको ट्राई करता हूँ, बहुत ही मतलब रहा नहीं जा रहा मेरे से। तो ये देखो भाई, ये आ गया अपनी बाइट। देखो यार
यार बहुत ही गजब है। रहा नहीं जा रहा, मतलब इतना टेम्पटिंग है ना। चीज़ क्वालिटी बहुत ही टॉप की है और भैया बहुत ही प्यार से बना के खिलाते हैं, इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो भैया अपनी टाइमिंग और लोकेशन बता दीजिए। सर मेरी टाइमिंग यहाँ पे मेघदूत गार्डन जहाँ खड़े हैं, चौपाटी जो फेमस है यहाँ की विजयनगर के, यहाँ पे 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक है। और वर्ल्ड कप स्क्वायर जो है स्क्रीन नंबर 140 वहाँ पे शाम को 5 से रात के 11 है। तो आपने नया आउटलेट खोल लिया? हाँ अभी रिसेंटली कल नया। अरे बधाई हो, बधाई हो। विजयनगर पे स्क्रीन नंबर 54 नियर सिटी रिद्धि सिटी रेस्टोरेंट के पास। तो भाई दोनों आउटलेट पे आइए और बढ़िया इनके एमबीए पिज्जे का मजा लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।